यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तेरा बना चारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gauranita, 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 Jaya Gauranita. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Radha Sama Sundara, Radha Sama Sundara. Jaya Radha Sama Sundar Radha Sama Sundar Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Shri Radhe Jaya Jaya Prabhupada 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 Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Gaur Hari Bol मंगल हरि नाम संकीर्तन की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय निताई गौर शितनाथ प्रेमानंदे हरि हरि वो हरे कृष्णा
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति सुहृदं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं साधयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं पादान् सहगणललिता श्रीविशाखा नमाओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामीति नामे नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितान पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो महाप्रसाद जननी सर्वसौभाग्यवर्धिनी आदिव्यादिहारि नित्यं तुलसी त्वं नमः स्तुति पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यम् आनन्दलीलरस विग्रहाय हेमावदिव्यछविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते वन्दे अनन्ताद्भुतैश्वर्यं श्रीचैतन्यमहाप्रभुं नित्योऽपि यत्प्रसादात् स्याद्भक्तिशास्त्रप्रवर्तक गुरवे गौरचन्द्राय राधिका वै ददालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नामश्रेष्ठं मनुमपि सच्चीपुत्रत्र स्वरूपं तस्याग्रजं मधुपुरी माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवासा प्राप्तजस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुत्वं नतोऽस्मि नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायिते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामे गौरतिस्से नमः तप्तकाञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतिदेवी प्रणमामि हरिप्रिये हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकन्त राधाकन्त नमस्तुते जयतं सुरतौ पङ्गुरमन्मन्दमतिर्गति मत्सर्वशपदं भोजो राधामदनमोहनं दिव्यादवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमदरत्नगारसिंहासनस्थौ श्री श्रीराधाश्रीगोविन्ददेवो पृष्ठालिविसेव्यमान् स्मरामि श्रीमान् राशरसारम्भि वंशीवटतटस्थितः कर्षणकणुर्शैर्गोपी गोपीनाथ श्रेयस्तु न गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपुर्पिणं गोकुलौशवैशान गोविन्दं गोपिकाप्रियं वन्दे नवघनश्यामं द्विभुजं मुरलीधरं पीताम्बरधरं देवं सराधापुरुषोत्तमम् ॐ नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राव्यं जगन्नाथाय ते नमः श्रीकृष्णचैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय दैत चंद्र जय गौर भक्त बिंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय दैत चंद्र जय गौर भक्त बिंद जय प्रभु पद जय प्रभु पद प्रभु पद जय प्रभु पद श्रील प्रभुपाद की जय श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जय आशीष गौरी जी हरे कृष्णा। आप सभी को साप्ताहिक श्रील प्रभुपाद लीलामृत इस क्लास में यहाँ उपस्थित सारी भक्त वृंद और जो ऑफलाइन में सुन रहे हैं सभी को चरणों में मेरा प्रणाम। आप लोग सब भाग्यवान हैं क्योंकि हम श्रील प्रभुपाद के लीलामृत श्रवण कर रहे हैं। सप्ताह में एक बार हर संडे को यहाँ पाठ होता है 5 से 6 एक घंटा। एक्चुअली प्रभुपाद की लीला श्रवण करने से हमारी भक्ति वृद्धि प्राप्त होता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त अगर हम कहें कलयुग में श्रील प्रभुपाद जी हैं, है कि नहीं। और इनका चरित्र श्रवण करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। इनके गुणगान हम श्रवण करेंगे तो उनके जो गुण हैं हमारा अंदर आएगा। ये शास्त्र के अनुसार अगर किस व्यक्ति का आप चरित्र का वर्णन करेंगे, अगर चोर का बात में आप बात करेंगे तो उसका सारे गुण आपके पास में आएगा। चोरों का संग करने से क्या होगा, चोर का गुण आएगा अपने अंदर, है कि नहीं। और साधु का संग करके तो साधु का गुण आएगा। उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत बड़े भक्त हैं। सारा विश्व भर में इन्हें कृष्ण भगवान ने प्रचार किया है जिसकी बदौलत हम लोग यहाँ पर बैठ के हैं, नहीं तो हम कहाँ होते। तो प्रभुपाद के लिए हम तो श्रवण का बहुत जरूरी है। इसलिए आज हम श्रील प्रभुपाद की लीलामृत प्रकरण 14 एकाकी टाइटल का नाम है एकाकी संघर्ष। हम जानते हैं प्रभुपाद कितना संघर्ष किए हैं, है कि नहीं। 70 साल की उम्र में एक वृद्धा व्यक्ति जो करके दिखाया है, यह असंभव है। इसको मानते हैं अभी भी हमारे इस कर्म में जो GBC बड़े सबसे बड़ा जो कमेटी है वो लोग हमेशा प्रभुपाद के गुणगान करते हैं। हम देखें हमारे जितने प्रभुपाद के अभी शिष्य हैं, वरिष्ठ शिष्य हैं, एक के बाद एक सब अभी अप्रकट हो रहे। अभी हाल में हमारे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी ने प्रकट हुआ है कि नहीं। वो अपने आचरण में करके दिखाएँ उनके गुरु का बात कैसे, जिसको बोलते हैं ना बैटल फील्ड में युद्ध क्षेत्र में जाकर अपना शरीर त्याग किए। उनसे पहले भक्ति चारू महाराज ने कोरोना के टाइम में अकेले चले गए अमेरिका बैग लेकर, है कि नहीं। इसको कहता गुरु भक्ति, गुरु सेवा इसको कहते हैं। आत्म इंद्रिय प्रतिमांसा तारे बले काम। काम क्या है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरित वर्णन करते हैं काम और प्रेम में क्या अंतर है। आपको पता चल जाएगा हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं या अपने लिए कर रहे हैं। इस श्लोक सब समझ आइएगा। आत्म इंद्रिय प्रतिवंशा तारे वाले काम, मेरे को जो अच्छा लगता है आत्म इंद्रिय प्रतिवंशा, मेरे को जो अच्छा लगता है मैं वही करूँगा। लेकिन कृष्ण को अच्छा नहीं लगता वो, तो मेरे वो काम हो गया, वो मेरे लिए मैं कर, कृष्ण के लिए नहीं कर रहा हूँ मैं। और कृष्ण इंद्रिय प्रतिवंशा धरे प्रेम नाम, प्रेम तब होता जब कृष्ण को जो पसंद है, कृष्ण जो बोले उसको करना है। कृष्ण ने क्या क्या बोले हैं गीता में बताइए, कृष्ण जी गीता में क्या बताए हैं बताइए, कोई आप में से कोई बताइए। हाँ, ये तो एक बार बताएं, और एक श्लोक भगवान कृष्ण ने 2 बार बताएं, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फिर ये श्लोक हो गया मैंने ये 2 बार बताया ना, ये बार श्लोक भगवान 2 बार क्यों बताए, उनका क्या दरकार था 2 बार बताने के लिए। मतलब इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, ये करना है हमको। मन मना भवो मद भक्त मज्जाजी माँ नमस्कुरु, 4 बात कृष्ण कहते हैं यहाँ पर। और सारी चीज़ें हमारे प्रभुपाद ने करके दिखाया है,
और हमारे गुरु वर्ग लोग कर रहे हैं, है कि नहीं? तो वही करने से कृष्ण प्रश्न हो जाएगा, वही प्रेम है। कृष्ण को जो पसंद है वही करना है, उसको प्रेम कर। आप लोग श्रवण कर रहे हैं प्रभुपाद के बारे में, श्रवण करने का अर्थ होता है भगवान कृष्ण के प्रिय भक्त के बारे में आप श्रवण कर रहे हो, तो कृष्ण मुझे बहुत प्रसन्न होते हैं भगवान ने। भगवान अपने गुणगुण ज़्यादा प्रसन्न नहीं सुनने नहीं चाहते हैं, ये सिंपल सी बात है। उनके भक्तों का गुणगान कर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आज हम श्रवण करके यहाँ पर, मेरा मातृभाषा हिंदी नहीं है, ओडिया है, थोड़ा भूल होगा तो आप लोग कृपा करके समझ लीजिए, ठीक है, करेक्शन कर लीजिएगा। तब उन्होंने अपना व्याख्यान आरंभ किया, वे सीधे अपने विषय में प्रवेश कर गए। वे सृष्टिकर्ता की महानता का गुणगान उच्च स्वर में करने लगे, उच्च स्वर में करने लगे, और उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सृष्टिकर्ता को, भगवान को स्मरण में रखे जाएं। यहाँ पर सृष्टिकर्ता के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं तीन देवता है ना, प्रथम क्या होता, सृष्टि होता, फिर क्या होता, पालन, फिर संहार। ये तीन देवता हैं, आपको याद रखिए। सृष्टिकर्ता, जो सृष्टिकर्ता कौन है, ब्रह्मा जी, और पालन करता, और ध्वंस करते हैं, शंकर जी। देखिए ये बात हमसे ध्यान में रखिए, तीन तीन पर्सन यहाँ पर है ना, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, बीच में विष्णु है पालन करता, और लास्ट में है शिव जी संहार करता। देखिए भगवान विष्णु सबसे गुरुत्वपूर्ण काम वही अपने हाथ में रखे हैं। सृष्टि कर सकते हो, ध्वंस कम तो टाइम लगता नहीं है कि नहीं? अभी कितना हमारा बिल्डिंग सर तोड़ दिया है ना, देख रहे आप लोग कितना समय लगा था, प्रभु ने बताया था गुरुकुल हमारा, अभी कितना समय, इतना तोड़ दिया, ध्वंस कर दिया, फिर बनने में टाइम लगा, लेकिन उसको पालन करना ये बहुत गुरुत्वपूर्ण बात है। पालन कोई करता है, इसलिए ठाकुर जी अपने हाथ में सेवा रखते हैं, ध्यान रखिए बात हमें सब लोग। इतना बड़ा प्रभात मंदिर बनाए हैं, हम बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन उसको मैनेज जो कहता है ना, मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, जो पालन करते हैं, इसलिए ठाकुर अपने हाथ में काम रखते हैं, दूसरे ब्रह्मा को नहीं देते, शिव को नहीं देते, वो लोग कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ सृष्टिकर्ता के बारे में कह रहे हैं, मतलब ब्रह्मा के बारे में कह रहे हैं, और ब्रह्मा जी अपने आप कुछ नहीं करते हैं, वो एक गौण है। जैसे आपको मैं आटा दूंगा तब तो पूरी या रोटी आप बनाएगा ना, अगर आटा नहीं रहेगा आप पूरी रोटी बना पाएंगे, तो आपका कुछ क्रेडिट नहीं है, जो आटा दिया उसका मैंने। इसी प्रकार भगवान जो मूल मौलिक वस्तु कृष्ण जी के हैं, है ना, उसको लेकर ब्रह्मा जी बना दिया। यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि महत्वपूर्ण बात यह है कि सृष्टिकर्ता को भगवान को स्मरण में रखे जाए। जो सृष्टिकर्ता वो भी भगवान विष्णु को स्मरण करके करते हैं। हम लोग जानते हैं जो भगवान ब्रह्मा जी कृष्ण के नाभि पद्म से उत्पन्न है ना, सोचने लगे मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा उत्पत्ति कौन है, फिर मैं क्या करूँ, बहुत सोचे लेकिन समझे ना यार। सुबह लास्ट में वो तपस्या करने लगे, तप करने लगे, फिर उनको भगवान ने बताया। उसी प्रकार वो भी भगवान को स्मरण करके काम करते हैं। जैसे हमारा मंदिर में कुछ भी, हम लोग हमसे ध्यान रखना चाहिए, जो भी सेवा में मैं हूँ, मेरे को ने सेवा दिया हमारे मैनेजमेंट ने, जो मेरा काम वो करना है, अपना मन मन से कुछ नहीं करना चाहिए। उन्होंने भागवत चेतना की व्याख्या विस्तार से की और बताया कि भगवान चेतना क्या है, भागवत चेतना क्या है, किस तरह भगवान सर्वव्यापक हैं, और किस तरह हम सब का कर्तव्य है कि हम भगवान का स्मरण करें। सारी वेद वेदांत का सार यही वस्तु यहाँ बताया गया है। चार हमारा वेद है, 18 पुराण है, और 108 उपनिषद। इस सार में क्या है, सार क्या है बता रहे, किस तरह भगवान का सर्वव्यापक हैं, और किस तरह हम सबका कर्तव्य है कि हम भगवान का स्मरण करें। अलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट हिम, ये सारी वेद वेदांत का सार है। अगर आप दो कर रहे हो तो सारी वेदन पढ़े आपका हो गया है कि नहीं? हम सर्वदा कृष्ण का स्मरण करें, कभी उसको नहीं बोल, वेद में वही बताता है, कुछ नहीं बताता है, कृष्ण में वही गीता में कहे हैं। ये जो आप कर रहे हो तो हमारा एक प्रभुपाद के शिष्य है, मैं आपको बताता हूँ, उनका नाम है, वो मायापुर में रहते हैं, बहुत बड़े भक्त हैं प्रभुपाद जी के, उतने शास्त्र ज्ञान पढ़ते नहीं लेकिन सार वस्तु पकड़ गए हैं।
वो कहते हैं ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा नेवर फॉरगेट हिम, अगर दो आप करो आपका सारा चीज हो गया। उसी प्रकार यहीं पर वही कह रहे हैं कि हमको सबको भगवान का स्मरण करना चाहिए किसी भी हाल से, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि हम उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें किस नाम से पुकारते हैं, है कि नहीं। कुछ लोग हरे कृष्ण कहते हैं कि नहीं, और रा नहीं, उन लोग का भाषा में रा नहीं, हरे कहते हैं, हरे कृष्ण के लिए कृष्ण उसको समझ जाते हैं। वो तो पशु पक्षी कीट पतंग सबका भाषा समझते हैं भगवान कृष्ण। जैसे हम लोग अपना मंदिर में मंगल आरती में आते हैं, कितने भक्त रहते हैं, हम कभी कभी सोचता वही सोचता हम, कोई बंगाली है, कोई उड़िया है, कोई तेलुगु है, कोई हिंदी भाषी, तो अपने अपने भाषा में बताने भगवान बताते हैं, भगवान सब सुनते हैं कि नहीं। देखिए भगवान का भगवता है, मैं अभी बोल रहा आप लोग सुन रहे, दूसरा बात अब कान में नहीं जा रहा, लेकिन भगवान सबका प्रार्थना सुनते हैं, कितनी भाषा के साथ बोले सब, इसको कहते हैं भगवान। हर भाषा समझते हैं, पशु पक्षी कीट पतंग भाषा भी समझते हैं, और भाव ग्रह जाना तो समझ जाते हैं क्या बोलने मांगता मेरे को भगवान कर ले। तो वही बताते हैं यहाँ पर, उन्हें किस नाम से पुकारते हैं, आवश्यक यह है कि हम उनका स्मरण करें। उन्होंने एक उदाहरण दिया जो बड़ा मार्गिक था, उन्होंने हरे कृष्ण हरे राम के कीर्तन किया और इस मंत्र की शक्ति और रक्षात्मक अनुग्रह के विषय में बताया। व्याख्यान के मध्य में वही थोड़ा रुके और उन्होंने कुछ जल पिया। जब वे मंच से नीचे उतर रहे थे तो अंतिम बात उन्होंने यह कही कि उनके पास श्रीमद् भागवत कुछ प्रतियां थी। उन्होंने बताया कि वे उन पर कार्य करते रहे थे और वे 3 खंडों में थी और उनका मूल्य $16 था। तब उन्होंने अपना व्याख्यान समाप्त किया और वो नीचे आ गए। प्रभुपाद के बारे में बताया गया, प्रभुपाद जो गए थे आपको मालूम है ना, जब प्रभुपाद पहले गए भारत से, ये 3 खंड भागवत उन्होंने रचना किए थे, उसको लेके गए थे वो। बहुत से लोग उनके पास पहुंच गए, कुछ संकोच थी और कुछ बहुत उत्साहपूर्ण थे। कुछ ने उसने हाथ मिलाया और पुस्तक मांगी। पहले उनके चारों ओर लगभग 15 लोग इकट्ठे थे। प्रभुपाद जो क्लास देने के बाद उतर गए तो कुछ लोग प्रभुपाद के पास जाते हैं ना, ब्रह्मा गुरुदेव के पास जाते हैं, 15 लोग उनके पास में आ गए। वह उनसे बात कर रहे थे और प्रश्न पूछ रहे थे। अपनी चारों ओर इतने लोगों को देखकर वह मेरे पास आए और बोले, महोदय क्या मेरे ऊपर एक और अनुग्रह करेंगे, क्या आप पुस्तकों की बिक्री का कार्य अपने ऊपर लेंगे, लोगों आपके पास पुस्तकों के लिए आएंगे, इसलिए आप पुस्तकें बेचें और पैसे इस छोटे से बक्स में रखते जाएं, मैं थोड़ी देर में आपके पास आऊँगा। मैंने कहा बहुत अच्छा। एक भक्त ने पूछा, ठीक है आप पुस्तकें रख लीजिए और आपका जो डोनेशन आएगा उसको रखिए, लोग लेंगे पुस्तक मैं दे दूंगा और पैसा इसमें रखूंगा, फिर आप आइए। इस तरह जब वही लोगों से बात करने लगे तो अन्य लोग मेरे पास आने लगे। उन लोगों ने जरूर यह सोचा होगा कि मैं उनका निजी सचिव या सहयात्री था। कुछ लोग समझ रहे जो कर रहे हैं, सोचा प्रभुपाद का सेक्रेटरी होगा, कोई अपना आदमी होगा, लेकिन उनका नहीं, कुछ नहीं था। मैं वो कह रहे हैं लोग मेरे पास आने लगे और उनके विषय में तरह तरह के व्यक्तिगत प्रश्न पूछने लगे। कुछ लोग पूछते होंगे तो उनके पास में आएंगे तो प्रभुपाद के बारे में पूछने लगे, जिनके उत्तर में मैं सचमुच नहीं दे सकता था। उनके प्रभुपाद का तो सचिव थे नहीं, प्रभुपाद के बारे में कुछ मालूम नहीं था, लोग कैसे बताएंगे, कुछ नहीं बता पा रहे थे, क्योंकि मैंने नहीं जानता था कि कुछ लोग पुस्तक खरीद रहे थे या उन्हें पन्ने फिरा कर देख रहे थे। पुस्तक ले गया तो कुछ खरीद रहे, कुछ लेके ऐसा देख रहे हैं, ऐसा कर रहे थे, देख रहे थे। प्रभुपाद इसलिए कहते हैं हमारा जो प्रभुपाद की पुस्तक है ना, इसको हाथ में लेने कर भी आदमी का जो चिंतन, उसका बुद्धि शुद्ध हो जाता है। मैं देखा है हमारा गौड़िया मठ, पहले प्रभुपाद हमारा इस्कन बहुत क्रिटिसाइज करते थे इस्कन वालों के बारे में, लेकिन प्रभुपाद की पुस्तक को लोग बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें जो फोटो रहता है ना, बहुत सुंदर सुंदर फोटो आप देखेंगे, प्रभुपाद इस्कन पुस्तक में बहुत सुंदर फोटो रहता है, उसको देखने से हाथ में लेने से, इसलिए हमारा जो पुस्तक वितरण करते हैं भक्त लोग, पहले लोगों को क्या कहते हैं, अब थोड़ा टच करते हैं उनको, पकड़ो तो टच करो, 10 रुपये देते हैं, देने से उसका चेतना शुद्ध हो जाता है, क्योंकि सारी कृष्ण के शुद्ध भक्त ने इसको रचना किया है। शुद्ध भक्त जो करते हैं उनका जीवन का चरित्र इसमें वर्णन है, कृष्ण के बारे में बताते हैं, इसको जो पकड़ेगा वो शुद्ध हो जाएगा,
ये जो महाभागवत है तो उत्तम भागवत है तो उनका ये गुण होता है, उतना शक्ति होता है। तो कुछ टच कर रहे थे पुस्तक और देख रहे थे, स्पर्श कर रहे थे, कुछ लोग गुरु की खोज में थे और यह जानने का प्रयत्न कर रहे थे कि स्वामी भक्तिवेदांत कौन थे। प्रभुपाद के बारे में पूछ रहे तो विदेश लोग बहुत बुद्धिमान भी होते हैं, जितने विदेश लोग होते हैं बहुत बुद्धिमान होते हैं, प्रश्न बहुत करते हैं, प्रश्न करने से आपका उत्तर मिलता है कि नहीं। प्रश्न कौन करता है, जो बुद्धिमान वही करेगा ना। तो पूछ रहे थे, उत्तर दे रहे थे, जो भक्ति वेदांत हम जानते हैं ना, प्रभुपाद का नाम क्या है, श्रीला अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। ये जो भक्ति, भक्ति क्या है, वेदांत को संधि विच्छेद करेंगे आप, भक्ति वेद का अंत, उसको भक्ति वेदांत कहते हैं। जो वेद है, वेद का अंतिम वस्तु क्या है, भक्ति है। भक्ति युक्त वेद युक्त अंत, भक्ति वेदांत, भक्ति ही वेद का अंत वस्तु है, वही है भक्ति वेदांत श्रीला प्रभुपाद, जो सारा विश्व में भक्ति का प्रचार किए हैं। कुछ उनसे सचमुच प्रश्नोत्तर में लगे थे, किंतु वही केवल मुस्कुरा रहे थे और लोगों के प्रश्नों का उत्तर सहज ढंग से दे रहे थे। मुझे स्मरण है उन्होंने उनसे कहा, आप जान जाएंगे, कोई दबाव नहीं है, आप जान जाएंगे कि मैं आपका गुरु हूँ या नहीं। उन्होंने सुझाव दिया कि लोग जाएं और उनकी पुस्तक पढ़ें। इसलिए प्रभुपाद का आदेश है, पहले हमारा स्कंद भक्तों के लिए, जो स्कंद के भक्त हैं, प्रभुपाद से प्रेम करते हैं, राधा श्याम सुंदर से प्रेम करते हैं, कृष्ण बलराम गौरनिता से, शास्त्र पढ़ना चाहिए। शास्त्र हम नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं पता चलेगा, है कि नहीं। प्रभुपाद का ये है, मेरे शिष्य प्रशिष्य डेली 2 घंटा पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद का 2 घंटा पढ़ना, हमारे पास उतना समय नहीं है, फिर भी 1 घंटा पढ़ सकते हैं या आधा घंटा पढ़ सकते हैं, पढ़ने से सब कुछ समझ में आएगा। और तब एकत्रित समुदाय की संख्या घटकर लगभग आधी दर्जन आ गए, यानी जितने लोग थे उनसे आधा लोग चले गए। जो थोड़े से बचे थे वही केवल उन्हें देख रहे थे। किसको देख रहे थे, प्रभुपाद जी। सच में आप देखिए प्रभुपाद कितनी स्मार्ट है, रियल में है, 70 साल का है कि नहीं। मैं जो पहले स्कन में जाता था ना, तो प्रभुपाद बोलने से, प्रभुपाद ही मेरे शिक्षा गुरु हैं, उनको देखकर मुझे इतना भक्ति प्रेम हुआ, हर भक्ति में आया, मैं इतनी स्मार्ट है। और बात करने का स्टाइल देखे ना प्रभुपाद, कितना जाए कि अंग्रेजी कुछ रास्कल कहते हैं, आप कह सकते हो। मैं तब सोचा ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये आपको मैं बता रहा हूँ 1995-96 का, जब इस्कॉन कलकत्ता में जाता था, वहाँ पर प्रभुपाद का लेक्चर चलता था अपना राधा गोविंद मंदिर में, उनका जो सुर सुनने का जो ध्वनि, वो भी महत्वपूर्ण गुरुत्वपूर्ण। एक बार बंदे हम श्री प्रभु गाते हैं, हृदय से गाते हैं, सुनने से आपका भक्ति हो जाएगा। और बात करने बुरा देगा, ये तो साधारण व्यक्ति हो नहीं सकता, ऐसा बात करते, तो वही बता रहे प्रभुपाद इतना शक्तिशाली थे। उनको देखते थे प्रभुपाद कैसे बैठते हैं, आप देख हमेशा वीडियो देखिएगा प्रभुपाद जी का, बड़ा व्यक्ति का फॉलो करिएगा हमेशा, है कि नहीं। जैसे हमारे गुरु महाराज लोग आते हैं, उनको देखिए कैसा बैठते हैं, क्या करते हैं। मैं हमेशा जब कोई गुरु महाराज उनको देखता हूँ, लास्ट हमारा गोपाल कृष्ण महाराज आए थे ना, अब प्रकट होने से पहले आए थे, वृंदावन थे गुरु पूजा में, महाराज उस दिन बहुत लेट में थोड़ा आए, लेकिन देखिए क्या शिक्षा देते हैं। एक भी मंगल आरती मिस नहीं करते गुरु महाराज जी, आरती करते हैं, बताइए इतना 77 का ईयर में आरती करते हैं हर साल, कहीं भी जाते उस दिन मंदिर में आरती करेंगे। गुरु पूजा उस दिन दौड़ दौड़ के मार जाए, जो अंतिम गुरु पूजा उनके था, फिर जाके वहाँ प्रकट हो गए महाराज, चलने पर चीख से हमें देखा, खड़ा हो गए, देख रख दे, उनका बोलने का कहने का सब दिव्य होते, जैसे कृष्ण ना मधुरम मधुरम, कृष्ण का सब मधुर होता है, उनका भक्त तो कोई कम नहीं है, उनसे ज़्यादा है। कृष्ण तो मधुर जो है, उनसे उनका भक्त और मधुरम है, चलम मधुरम बाच्यम सब मधुर होता है, कृष्ण जी का उनका भक्तों का विषय होता है। नहीं तो प्रभुपाद कैसे सारे दिनों को इतने जय किया, कृष्ण उनके हृदय में बैठते हैं, शुद्ध भक्त हृदय के अंदर में कृष्ण रहते हैं, इसलिए उनका बात में पावरफुल होता है। हमारा आपके बात में क्यों इतना होता है, क्यों अपने नाम में पूरा फुल सरेंडर नहीं है कृष्ण के ऊपर में हम लोग, तो यही बात कथा रहे हम। देखे आप देखिए प्रभुपाद कितना हंसना, कितना सुंदर प्रभुपाद है, सच में है कि नहीं। 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति अब देखे कितना अच्छा लगता है, ये कहाँ से होता है, क्योंकि कृष्ण का अंदर में धारण करके।
और तो मेन बात है जो गुरु बता ना बताता हूँ, गुरु जी का स्वरूप मैं बताता हूँ आपको। एक गुरु जो कौन है मालूम है भाई? इसको राधा रानी के असिस्टेंट हैं, सेवक सेविका हैं, ऐसा लग रहा था पुरुष हैं ये लोग। ये सब अंतरंग राधा रानी के सेविका हैं। राधा रानी तो सबसे बड़ी भक्त हैं कृष्ण जी का। एकमात्र राधा रानी ही कृष्ण को संतुष्ट कर सकते हैं पूर्ण मात्रा से। पूर्ण मात्रा से कोई नहीं कर सकता, सिर्फ राधा रानी करते हैं और उनका जो सेवक है गुरु महाराज ये लोग करते हैं। इसलिए इतने स्मार्ट, इतना सब कुछ है। तब वह स्वयं उनके पास गए और वार्तालाप करके उन्हें शांत किया। बाद में वह मेरे पास आए और हमने पैसे गिने, जितना कलेक्शन पैसा गिना चल गया। फिर मैंने पुस्तकों का समेट में आए और पुस्तकों के बक्स से नीचे लोगों में उनकी सहायता की। जब हम अलग अलग होने लगे तब उन्होंने मुझे बहुत धन्यवाद दिया। मैंने उन्हें अपना नाम, पता और फ़ोन का नंबर दिया और श्रीमद् भागवत का एक सेट खरीदा। मैंने प्रभुपाद को जो असिस्ट कर रहे थे वो एक भागवत सेट लेके गए। ये हो गया आपका संकरण 14 खत्म। अब प्रकरण 15, आपकी सहायता करना संभव नहीं होगा। इस शीर्षक का नाम है आपकी सहायता करना संभव नहीं होगा। क्या बताते हैं देखिए, इस वृद्धावस्था में मैं तो यहाँ सैर करने आया हूँ, न मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है। समस्त मानव जाति के हित के लिए मैं कृष्ण चेतना के विज्ञान को कार्यान्वित करने के प्रयत्न में लगा हूँ। प्रभुपाद अपनी मनमानी से नहीं गए थे, उनके गुरु का आदेश था कि नहीं तो पाश्चात्य देश में जाके अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो। लेकिन देखिए प्रभुपाद जाने से पहले अपने आप को बहुत प्रस्तुत किया है, ऐसा प्रचार नहीं होता है। प्रभुपाद खुद वृंदावन में आए, तपस्या किया, तपोप किया, साधना किया, जप किए, फिर पुस्तक लिखे हैं। उनको उनका गुरु महाराज के साक्षात कब हुआ था? 1922 में हुआ था ना, 1922 में कलकत्ता में पहला मुलाकात हुआ था उल्टा डंगा में, जो गोड़िया माठा बीबी है। आप उस मंदिर दर्शन करना चाहिए आप लोग, जब कलकत्ता जाएंगे ना आप लोग में से इस स्थान दर्शन करना चाहिए। दिव्य स्थान है जहाँ पर प्रभुपाद जी के साथ उनके गुरु की प्रथम दर्शन हुआ था। वो जब उसको उल्टा डंगा कहते हैं, वो उस उल्टा डंगा कलकत्ता में है। गए को अब लोग कोई दर्शन किया उस उल्टा डंगा स्थान? गए? वाह वेरी गुड, माता जी गए, जाना चाहिए, प्रयत्न करिए। और प्रभु का जन्मस्थान दोनों देखें, कलकत्ता जब जाएंगे ये दोनों जगह दर्शन करना, प्रभु का जन्मभूमि और ये उल्टा डंगा जहाँ पर कृष्ण भगवान तक प्रकाश बीज में रोपण हुआ था। उस घर में ढूंढेगा दिव्य है वही। हरिशन रोड प्रभुपाद रहते थे, उनका घर है। लेकिन जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जब जाते थे कलकत्ता तो वहाँ उल्टा डंगा में रहते थे, गोड़िया मठ वहीं पहले उन्होंने स्थापना किया था, वहीं रहते 12 साल कंटिन्यू वहीं थे वो। और प्रभुपाद वहीं गए थे, उनका उनके एक दो मित्र उनको ले गया था, चलो एक साधु आया मैं आपसे मिलने जाएंगे। प्रभुपाद तो पहले राजी नहीं होते थे, नरेंद्र, हाँ नरेंद्र उनको ले गया था। तो उस स्थान वो घर में जाएगा अभी, इसकन का 2 करोड़ रुपया 2 करोड़ लेके उस जगह को खरीद लिया हम लोग। अभी सुंदर विग्रह भी रखा हुआ पर, और प्रभुपाद का जन्मस्थान भी है टलीगंज, वो भी 2 करोड़ रुपया का लिया। अभी सब बांग्लादेशी लोग उसको ले लिया था, हड़प लिया था। तो अभी इतना अच्छा करके प्रभु रखा है, जब भी जाएंगे कलकत्ता दोनों स्थान दर्शन करना। प्रभुपाद जो जन्मस्थान है ना इतना सुंदर जगह है, पहले गंगा जी पास में था, वहाँ कृष्ण का मंदिर था, पुराना मंदिर, बहुत पुराना मंदिर, गोविंद देव मंदिर छोटा मंदिर अभी है, और शिव जी का मंदिर भी है। वैष्णव लोग का एक प्रिय स्थान होता है, जहाँ वैष्णव होते हैं वहाँ कृष्ण का मंदिर होगा, शिव जी का मंदिर होगा, कोई नदी होगा, इतना सुंदर जगह। कभी भी जाएगा दो स्थान दर्शन करने। और प्रभुपाद अभी मैं जब मैं गया था 2019 या 20 में गया था, तो वहाँ पर एक कटहल गाछ था जिस कटहल वृक्ष के नीचे प्रभुपाद जन्म हुए थे। कृष्ण ए जगन्नाथ या नृसिंहदेव बोले आम और कटहल बहुत प्रिय होता भगवान जी को, जगन्नाथ आम कटहल बहुत खाते हैं। तो प्रभुपाद कटहल के वृक्ष के नीचे जन्म हुए थे। अभी वृक्ष पुराना हो गया, उसको हटा दिया लोग, उसके बीच से लगाया, सब ले जा रहे हैं। तो दो स्थान दर्शन करना मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको। तो उनका गुरु का आदेश था तुम अंग्रेजी भाषा में जाकर प्रचार करो, इसलिए प्रभुपाद जाने से पहले बहुत तपस्या किया, साधना किया, तब गए प्रचार करने के लिए। जाने से पहले भी प्रभुपाद बहुत कुछ किया है। हमारा आदित्य आचार्य जो शांतिपुर वहाँ भी गए, उनसे प्रार्थना किया, उनसे आदेश लिया, शक्ति लेके फिर गए। फिर उनका गुरुदेव का जो मेन समाधि मंदिर है चैतन्य मठ मायापुर, वहाँ गए,
ये गौड़िया वैष्णव का फिलोसफी ये होता है, दर्शन होता है कि हम खुद नहीं कर पाएंगे, अपने आचार्यों का कृपा लेके करना चाहिए। प्रभुपाद सब अपने आचार्यों को बहुत फॉलो करते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी, आचार्य वही होता है जो अपना आचार्यों को फॉलो करता है। पूर्वतन आचार्य क्या चाहते हैं बस वही करेगा, दूसरा कुछ नहीं करेंगे ये लोग। वही रियल आचार्य वही होता और वही सक्सेसफुल भी होता है, मनमानी कुछ नहीं करते हैं लोग। मैं ये देखा हूँ जब जीबीसी मीटिंग होता हम लोग तो साइड में गुरु महाराज लोग का सेवा के लिए रहता था, फल उसी जाता है, बात होता था जो बात करते हैं लोग। प्रभुपाद क्या चाहते हैं, हमारा आचार्य पूर्व आचार्य क्या चाहते हैं बस वही करना, मेरे को ये आता सही से करेंगे ऐसा नहीं होता। आचार्य जो चाहते हैं वही करें। प्रभुपाद वही बता रहे कि मेरे गुरु का आदेश था, मैं विदेश से गया हूँ, जाने से पहले अपने आप को शुद्ध बहुत किए। भक्त का कर्तव्य है कि वो सभी तरह से मेरी सहायता करें। भगवान वो ही कहते हैं, महाप्रभु इतने बड़े स्वयं भगवान हैं, जब महाप्रभु आए थे प्रेम बेचने के लिए बोलते हैं एकाकी आमी, मेरा मैं एका हूँ, इतना फल लाया हूँ मैं खुद वितरण नहीं कर पा रहा हूँ, आप लोग मुझे सहायता करो, खुद खाओ दूसरों को खिलाओ। वाराणसी जो महापुरु गए थे ना वाराणसी, अब चैतन्य चरित पढ़ेगा तो और आनंद मिलेगा आपको, चैतन्य चरित पढ़े और आनंद ही आनंद है। कृष्ण लीला और गौर लीला कोई अंतर नहीं है, लेकिन गौर लीला में प्रैक्टिकल है, जो हम पसंद करते हैं वही सब दिया गया। महापुरु वाराणसी में जा, वाराणसी में जाकर देख रहे, वाराणसी तो मायावती है ना, तो महापुरु सोच में बढ़ गया इतना फल मिला है यहाँ पर, खरीदार कोई नहीं है, कौन लेगा, फ्री भी दे रहा फिर भी लोग नहीं रहे हैं, तो बोले ठीक है सबको दो। तो प्रभुपाद वही कह रहे हैं। हम फिर एक पढ़ते हैं, दैवी शक्ति माता जी की भी क्लास अभी है मेरे बाद, वो भी इंग्रेजी में पाठ करेंगे। नवंबर बीत गया और दिसंबर का आगमन हुआ और अपने प्रवेश पत्र की अवधि बढ़ाकर प्रभुपाद वहाँ रुके रहे। प्रभुपाद जब गए थे कुछ वीसा लेके जाते ना, इतने दिन का, इतने साल का, इतने महीने का, लेकिन प्रभुपाद का वीसा खत्म हो गया था, फिर बहुत उसको एक्सटेंशन बढ़ाए और काम के लिए उसको बड़े से बता रहे हैं। वो नवंबर महीना था, अमेरिका का इतना संपन्न लग रहा था, फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको सहन करना कठिन था। सब कोई बहुत से ठीक नहीं था, कुछ कुछ कठिन भी था। अग्नि नाव शामक इंजिनों में और पुलिस की गाड़ियों के भिंपुओं और सीटियों से प्रभुपाद को लगता था मानो अपने हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। देखे अमेरिका में बड़ा शहर है, फायर ब्रिगेड होता ना, फायर ब्रिगेड अग्नि समापन जो गाड़ी आवाज़ करता है वही बता रहे हैं यहाँ पर। गाड़ियों के भिंपुओं और सीटियों से शहर में जाएगा बड़ा सुनते हैं गाड़ियों का बहुत आवाज़ होता है कि ना, दिल्ली जाइए बड़ा बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी, बम्बे कलकत्ता जाइए कितना आवाज़ होता, लेकिन प्रभुपाद को बहुत जैसे लग रहा हृदय उनका हार्ट टुकड़ा टुकड़ा हो जा रहा है। कभी कभी रात में उन्हें सुनाई देता कि किसी मनुष्य पर आक्रमण हो रहा है और सहायता के लिए चिल्ला रहा है। कुछ कुछ रात को ऐसा होता था तो वह जो अनुवाद करते थे तो रात को कुछ होता जो क्रिमिनल लोग होते ना दूसरों को मारते थे वो चिल्ला रहे तो उनका कान में पड़ जाता था, प्रभु उनको बहुत दर्द होता था। नगर में अपने शुरू के दिनों से वे ऐसा अनुभव कर रहे थे कि कुत्ते के मैल के गंध सर्वत्र व्याप्त है। आपको मालूम है कि अमेरिका लोग ज़्यादा कुत्ता पालन करते हैं, कुत्ता या बिल्ली रखते हैं घर में कि नहीं, तो वो लोग तो ताटी पैखाना रास्ता भी करेंगे, लोग घर बाहर के ले आते हैं घुमाते हैं, वही सब देखते थे प्रभुपाद। और सर्वत्र गंध व्याप्त रहेगा, गंध होगा। और यद्यपि यह इतना धनी नगर था किंतु उनके लिए एक आम खरीदना भी मुश्किल था, और यदि वह मिल भी जाता तो वह बहुत महंगा और प्राय बिना स्वाद का होता है। बड़े धनी लोग हैं लेकिन आम खरीदना हम लोग कठिन हो जाता, अगर आम खरीद लेते तो प्रैक्टिकल अच्छा पक्का आम तो मिलता नहीं, जैसा आम तो वहाँ बाहर से जाता है ना कच्चा में जाता, जाते जाते रास्ते में पक जाता है वो, जैसा हम लोग इंडिया में डायरेक्ट पक्का फल खाते हैं वृक्ष, उसका स्वाद अलग है, और कच्चा को रख कर पकाएंगे तो उसका स्वाद अलग हुआ कि नहीं, तो वही बता रहे इतना पैसा दे खरीदता था लेकिन टेस्ट नहीं रहता था, वही खाते थे सब। अपने कमरे से उन्हें कभी सागर में चलने वाले जहाज के हाइन
हॉर्न सुना देते और उन्हें सपना सा आता कि किसी दिन भी वह अपनी संकीर्तन मंडल के साथ विश्व का भ्रमण करेंगे और सभी बड़े नगरों में प्रचार करेंगे। समुद्र में जो जहाज आता था ना उसका बड़ा सायरन होता था, लोग बजाते प्रभा तो, लेकिन उल्टा समझते थे हम भी ऐसा प्रचार करेंगे महाप्रभु के चैतन्य महाप्रभु के ऐसा जहाज से नगर संकीर्तन बड़ा कीर्तन करेंगे। ये जो जहाज का आवाज़ हो रहा इससे प्रभा तो हमेशा उल्टा समझते हैं, हम भी अपना मृदंग करता लेके ऐसा जहाज से बड़ा कीर्तन करेंगे, लोगों को हरी नाम जितना करेंगे जगत का उतना मंगल होगा। प्रभा तो सोचते थे मैं भी ऐसा करूँगा, अपने मन में उनका आता था, सपना था किसी दिन भी वह अपनी संकीर्तन मंडली के साथ विश्व का भ्रमण करेंगे और सभी बड़े नगर में प्रचार करेंगे। जैसा महाप्रभु ने बताया ना, पृथ्वी दे आचे जतो नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हाइवे मरो नाम, नगर ग्राम में प्रचार करने से जीवन का उद्धार होगा। प्रतिदिन उन्हें हडसन की ओर जाना पड़ता था, ऐसी पश्चिमी हवा का सामना करते हुए जो एक सामान्य जाड़े के दिन भी किसी को सांस फुला देते, जाड़े में ठंडे के दिन में अगर जाएंगे तो इतना ठंडे हवा चलता है, आंखों से जल बहने और चेहरे को सुन्न कर देने वाली थी। देखिए प्रभात कितने कष्ट किए, 70 साल का व्यक्ति है, अमेरिका इतना ठंडी देश है, फिर वहाँ जाकर अब देखे होंगे वीडियो में प्रभा जी का सारा अपना शेर नक्शो बंद रखते ना प्रभा जी, इसको कहते हैं सेवा। हम हमेशा चाहते हैं अभी इतना गर्मी है, अभी इतना गर्मी में वृंदावन है कि नहीं, लेकिन राधा ने देखती है कितना गर्मी कितना ठंडे आप यहाँ पर है, कौन मंगल आरती में से नहीं करता है, चाहे गर्मी हो ठंडी हो जो नियम बना लिया वही नियम रखना चाहिए, वही भक्ति है। प्रभात सब ऐसा करके अपनी जिंदगी में आचरण करके दिखा दिए। किसी तूफान के दिन तो इस तेज हवा और उसके अचानक झांकों से कोई आदमी लुढ़क कर भूमि पर गिर भी सकता था, ऐसा सब होता था, प्रभात सब देखे हैं। कभी कभी वर्षा का ठंड जल सड़कों को बर्फ से चिकनी बना देता, ठंडक उस समय और भी प्रचंड हो जाती थी, विशेषतया जब कोई वेस्ट साइड ड्राइवर के सुरक्षा रहित प्रभंजना तड़ित क्षेत्र में पहुंचा था, जहां समय समय पर उठने वाले वेंडर भूरी पृथ्वी के रथ की कागज के टुकड़ों को उड़ाकर हवा में आश्चर्यजनक का ढंग ऊंचा तक ले जाते थे। वहाँ का परिस्थिति के बारे में बता रहे हैं प्रभुपाद, ऐसा वहाँ होता था। शिला प्रभुपाद एक कोट पहनते थे जो डॉक्टर मिश्रा ने उन्हें दिया था, हम देखे होंगे आप लोग ना प्रभुपाद जी बहुत कोट पहनते थे, ये डॉक्टर मिश्रा उनके दिए थे, किंतु ठंडी तूफानी हवा में पैदल चलने पर भी उन्होंने अपनी धोती पहना नहीं छोड़ा। देखे ये प्रभुपाद धोती हमेशा पहनते थे, उसके ऊपर में पहनते थे, लेकिन कभी पैंट नहीं पहने या क्या बोलते उसको, अरे क्या है ना क्या बोल जीन्स, हाँ जीन्स पहनते ना आजकल प्रभात, लेकिन अपने वैष्णव पोशाक में रहते थे, बहुत अच्छा बात, इसलिए हम लोग को ऐसा वैष्णव वेशभूषा में रहना चाहिए। हवा में पैदल चलने पर भी उन्होंने अपनी धोती पहनना नहीं छोड़ा। राम कृष्ण मिशन के स्वामी निखिलानंद ने प्रभात को परामर्श दिया था कि यदि वही पश्चिम में रहना चाहते हो तो उन्हें पारंपरिक भारतीय वेशभूषा और कठोर शाकाहारीपन का परित्याग कर देना चाहिए। प्रभुपाद जो अमेरिका गए थे हरे कृष्णा, सुनिए राम कृष्ण के बहुत बड़ा आचार्य, उनका नाम यहाँ बता रहे निखिलानंद, स्वामी निखिलानंद, प्रभुपाद बोले थे आप तो अमेरिका जा रहे हो, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो भारतीय वेशभूषा बदल सकते हो, वहाँ का जाके पैंट शर्ट पहन लो जीन्स पहन लेना कोई दरकार नहीं है, लेकिन प्रभुपाद उसको ग्रहण नहीं किए। प्रभुपाद अपने वैष्णव भेष में रहते थे, वो भी बताया था कि देखो शाकाहारी पान का परित्याग कर देना, अगर नहीं मिलता तो शाकाहारी मत खाओ माछ मछली खा देना, प्रभुपाद लेकिन किया नहीं, यही तो भक्ति है। उन्होंने कहा था कि मांसाहार और मद्यपान तथा पैंट और कोट धारण करना इस जलवायु में लगभग अनिवार्य था। भारत छोड़ने के पहले प्रभुपाद के एक गुरु भाई ने उन्हें दिखाया था कि पश्चिम में छुरी काटने से किस प्रकार खाना चाहिए, किंतु प्रभुपाद ने पाश्चात्य तरीकों को अपनाने की कोई बात कभी नहीं सोची। उन्होंने सलाहकारों ने उन्हें
सावधान कर दिया था कि वे विदेशी ना बने रहें, वरन अमेरिका जीवन पद्धति को अपना लें, भले ही इसके लिए उन्हें भारत में लिए गए व्रतों को तोड़ना पड़े। लगभग सभी भारतीयों आप्रवासियों को अपने गुराने तरीके में परिवर्तन करना पड़ा। इसलिए तो प्रभुपाद इतने महान हुए ना। देखिए उनके जितना शिष्य हैं, जैसा माता बोले साड़ी पहनाना सीखा है कि नहीं, सबको माता लोग को साड़ी, विदेश लोग जब साड़ी पहनते ना, देखिएगा वो लोग हमारा भारतीय लोग बहुत उनके प्रति आकर्षित होते हैं, अरे देखो विदेशी ने साड़ी पहनी है, लड़का धोती पहना, उसमें क्या होता है, प्रचार बढ़ता है। प्रभुपाद ने सब ऐसा सिखाया है लोग। मैं जो पहले दर्शन मैंने आया था इसकन में देखा, मैं सोचता था ये लोग कैसा साड़ी पहना सीख गया इतना सुंदर। मैं भी बोलता था देखो आप लोग बंगाली हो या भारतीय, आप लोग वैसा पहनो, आप लोग जीन्स क्यों पहनते हो, एक प्रचार करो, एक मिल जाता, अच्छा सुविधा मिल जाता। किंतु प्रभुपाद के विचार भिन्न थे और उन्हें विचलित नहीं किए जा सकते थे। उन्होंने सोचा कि और अपने तरीके बदलने पड़ने होंगे। वही तो भक्ति है। आप अगर दूसरों को प्रभावित करते आपको भक्ति में, वही तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि नहीं। दूसरों जो नहीं कर रहे आप उनको भक्ति में ला रहे हो, तो यही तो आपका प्रभाव है। नहीं तो जैसा हमारा परम पूज्य राधा गोविंद महाराज भी कहते थे, जो प्रचार करने जाते हैं कभी कभी जाके लाल कपड़ा ब्रह्मचारी पहन के जाते हैं, प्रचार कर करके लदा सादा हो जाते हैं। तो फिर महाराज कहते हैं ये किस प्रकार का प्रचार है, तुम जाएगा लोगों को प्रवृत्ति में निवृत्ति करना चाहिए ना, तुम खुद प्रवृत्ति हो जाते हो तो क्या प्रचार हुआ है। दूसरों को लाल पहनाओ, प्रवृत्ति से निवृत्ति मार्ग लाओ तो प्रचार हुआ है। तो प्रभुपाद ऐसा किया, प्रभु जाएगा वो लोग संस्कृत से प्रभुपाद ग्रहण नहीं किया, प्रभुपाद अपना संस्कृत को दिलाया। इसलिए प्रभुपाद बोला मैं यहाँ आया कुछ लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ मैं आपको कुछ देने के लिए आया। वो क्या है, कृष्ण भक्ति, हमारा वैष्णव जो सदाचार, वो सिखाने में आया हूँ। और प्रभुपाद वो करके गए हैं, हम देखें प्रैक्टिकल कितने, उनका सारी प्रमाण हमारे सामने है। यहाँ पर देखिए हमारे जैसे देवी शक्ति माता जी आ गई, हरे कृष्ण, देखिए बात करते तो माता आ गई, कितने बड़े भक्त हैं प्रभुपाद जी के प्रिय पुत्री है। देखो कितनी सुंदर साड़ी पहन के एक दिन भी मंगल आरती मिशी नहीं करती हैं, कितना उम्र है, सीखना चाहिए सब ना। इसको कहते हैं गुरु भक्ति, गुरु सेवा, ये हमारा आदर्श है, हमारे एसेट हैं हमारे लिए। मेरे गुरु मास्टर कहते हैं अब जितनी सारी प्रभुपाद के शिष्य हैं उनका सेवा करना तुम लोग का काम है। मेरे गुरु मास्टर हमारा बताया, हमारा गुरु भाई हमको मायापुर में, कि जितने मेरे गुरु भाई गुरु बहन है ना सबको बुलाना, सब में उनका सेवा करना ये तुम्हारा काम है। ये तो हमारा वैष्णव दर्शन है ना, बड़ों को सम्मान करना। हमारे ठाकुर जी सबसे बड़े हैं, लेकिन देखो कैसे सेवा करते हैं, कृष्ण जी बड़े भाई का माता पिता का सेवा करते हैं हमेशा। कृष्ण जी क्या सीखा, वही सिखाया ना सच्ची माता का। तो माता जी को इतना अच्छा लगा, देखा हम ही चल रहे, तुम्हें पूछा था कल, बोले नहीं मैं कहीं नहीं जाता हूँ, प्रभुपाद मेरे बोला बुक डिस्कशन कर ले मैं वही करूँगा, है ना। मैचलेस गिफ्ट माता जी बैठते हैं, ये हमारे लिए आदर्श है, ये हमारे घर हमारा मंदिर का जिसको बोलता ना एसेट, एसेट धन है। और आप लोग भी बड़े भक्त सब हैं तब तो इसलिए बैठे हैं, आप लोग मुझे कृपा करिए मैं भी वैसा थोड़ा सेवा कर सकूं भगवान कृष्ण के उनके भक्तों का, जाते हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। माता जी आ गए अभी, थोड़ा प्रश्न करेंगे, थोड़ा 5 मिनट प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है। आप लोग में से कोई प्रश्न है या कुछ सजेशन बताएंगे कि प्रभुपाद की लीला बता सके, बोलिए माता। जन्म नहीं, प्रभुपाद वहाँ रहते थे, हाँ उनका घर था, नाना जी के वहाँ हुआ था ना, टोलीगंज में जन्म हुआ था, उनका घर था। हाँ गोविंद सब उनका पिताजी का मंदिर था, गौर मोहन देव का मंदिर था वहाँ पर, गोविंद देव मंदिर, और घर वहाँ रहते थे, वो हरिशन रोड पे रहते थे, मलिक फैमिली, ये बर्नी के है ना स्वर्णाकर थे, वहाँ रहते थे। और जो मैं बोला वो टॉलीगंज ये उल्टा डंगा, वहाँ पर उनका गुरु का साथ उनका मिलन हुआ था, वहाँ गौड़िया मठ था, भक्ति सब वहाँ जाए रहते थे,
वहाँ उनका मिलन हुआ था, उनका आदेश वहीं मिला था कि तुम प्रचार करो। और आप जो बता रहे हरिचरण, वो प्रभुपाद का घर है, उनका पिताजी का घर, गौर मोहन देव का घर है। और प्रभुपाद जो जन्म होते उनका माँ का जिसको पता मामांक मामांक घर में जाते ना, हमारे भारतीय सिस्टम मतलब बेटी लोग घर चले जाते हैं जन्म देने के लिए, तो अपने घर में गए थे रजिन देवी। और कुछ एल्बर्ट जो है उसका मंदिर वहाँ से उल्टा डंडा कितना दूर है? जैसे ज़्यादा नहीं, आधा घंटा रास्ता है। उल्टा डंगा 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 उल्टा डंगा आधा घंटा का रास्ता है, ट्रेन जाता है सब जाता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद लीलामृत की, समवेत गौर भक्त वृंद की, श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की, कृष्ण बलदेव प्रभु की, गौर निताई की, हरि बोल।